देखो जी, बचपन से सुनते आए थे हम कि जिस चीज़ पे आपका हक नहीं होता ना, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो चीज़ आपको फलती नहीं है। लेकिन जवानी में आके ना हमने एक वीडियो बनाया 20 अगस्त 2019 में, और वो वीडियो था अमृतसरी छोले का, और उसमें हमने यूज़ कर लिया म्यूज़िक जिस पे हमारा कोई हक नहीं था। तो इस वजह से आज 3 साल बाद हमको अमृतसरी छोले दोबारा बनाने पड़ रहे हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भी बचपन में सिखाया जाता था उसको याद रखना चाहिए, वरना ऐसे ही एक एक रेसिपी दो बार बनानी पड़ेगी और कोई ना कोई कॉपीराइट क्लेम कर देगा। ठीक है जी, शुरू करें। कॉपीराइट क्लेम। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी, अमृतसरी छोले बनाने के लिए आपको चाहिए छोले, और कायदे से तो अमृतसर का पानी भी चाहिए, क्योंकि जो बात अमृतसर के पानी में है ना, वो कहीं नहीं है। ऐसे नहीं अमृतसर से लोग ढाबे खोलने आते हैं बॉम्बे और साथ में पानी का टैंकर भी रोज आता है। पानी पानी से फर्क पड़ता है। फिलहाल डराता नहीं हूं, आपको खिलाता हूं। ठीक है जी, छोलों को मारनी है सीटी। सीटी के साथ में चाय पत्ती और मसाले का जुगाड़ कर लेना है। ठीक है जी, अब क्या करना है जी, एक बनानी है पोटली। ठीक है, पोटली के अंदर डाल लेने हैं सारे मसाले। बेसिकली क्या है, जब आप कुकिंग स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि फ्रेंच जो लोग हैं, फ्रेंच जो शेफ्स हैं, उन्होंने एक इजाद करी है। वो इजाद है हर्ब्स की पोटली, और उसको वो बोलते हैं बुके गार्नी। बुके गार्नी, ठीक है। हम पता नहीं कब से बना रहे हैं अमृतसरी छोले, उसके अंदर पोटली बना के डाल रहे हैं, हमारी कोई कदर नहीं करता। छोले गए कुकर में, अब इसमें डालना है अदरक, मोटा मोटा काट के ऐसे क्रश करना है, हाथ नहीं कटवाना, नहीं तो फिर इमाम दस्ता यूज कर लीजिए। हाँ, पता लगा हाथ बात कट गया और आप बोले रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था, इमाम दस्ता यूज कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है जी, ये 2 गार्लिक डाल देता हूँ, ये गई हमारी पोटली। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा घी, नहीं नहीं घी अभी नहीं, क्या है ना आदत से मजबूर, पंजाबी खाना बनाओ तो घी चला जाता है। घी अगर अभी डाल दिया तो छोलों पे रंग नहीं चढ़ेगा, क्यों? क्योंकि घी जो है वो छोलों को कोट कर लेगा और चाय पत्ती का रंग छोले पे नहीं आएगा, इसलिए इस स्टेज पर घी या कोई भी चर्बी नहीं डालनी। ठीक है जी, नमक, वाटर इतना के छोले जो हैं उसका डबल हो। अभी ढक्कन लगाओ और प्रभु के गुण गाओ। नहीं, प्रभु के गुण गाएंगे साथ में मसाले मसूले भी बना लेंगे ना। अरे यार, तो कमाल हो गया, पहली बार लग गया इतनी जल्दी ढक्कन, कुकर खराब हो गया क्या? वाह भाई वाह, रणवीर बता रही है रेसिपी अच्छी बनने वाली है। आजकल इंटरनेट पे ना अमृतसरी छोले हैं, पिंडी छोले हैं, और एक नई वैरायटी आई हुई है अमृतसरी पिंडी छोले। देखिए, अमृतसर में जो छोले बनते हैं उन्हें बोलते हैं अमृतसरी छोले, रावलपिंडी में जो छोले बनते हैं वेस्टर्न पंजाब में उन्हें बोलते हैं जी पिंडी छोले। अमृतसरी पिंडी छोले उनको बोलते हैं जो रेसिपी बेचने के लिए अमृतसरी और पिंडी दोनों लगा देते हैं, है? ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है जी, अमृतसर के छोले और रावलपिंडी के छोले अलग अलग होते हैं, अमृतसरी पिंडी छोले कुछ नहीं होता। तो हम बना रहे हैं अमृतसरी छोले, पिंडी छोले नहीं बना रहे हम। पिंडी वाले छोले अलग होते हैं, मैंने बनाए हुए हैं पहले। मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ गया ना आप? बस मैं यही चाहता था कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अमृतसरी पिंडी छोले की भी डिमांड आ रही थी नीचे, फिर मैंने क्यों आ रही है, फिर मैंने देखा हो लोगों ने रेसिपियां डाली हुई अमृतसरी पिंडी छोले, अमृतसर और रावल पिंडी को मैच कर दिया लोगों ने। ब्यूटीफुल। अभी कर लेते हैं कटिंग। कुछ लोग डालते हैं प्याज का पेस्ट, कुछ लोग डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज। अभी अमृतसरी छोले जो हैं, ये वो छोले हैं जो अमृतसर के घरों में बनते हैं, ये वो छोले नहीं जो आप भटूरों के साथ खाते हैं। जो भटूरों वाले छोले होते हैं उसके अंदर प्याज बिल्कुल नहीं जाता, वो खेल सारा मसाले का होता है। लेकिन ये घरों वाले हैं, और उसमें प्याज क्यों नहीं जाता? उसमें प्याज इसलिए नहीं जाता क्योंकि कुकर की सीटी बज जाती है बीच में। बाजार वाले छोलों में प्याज इसलिए नहीं जाता क्योंकि फिर से सीटी बज जाती है। दो बार ट्राई कर चुके हैं हम, कुकर बीच में ज़्यादा बोल रहा है। आप देखिए रंग से पता लग रहा है ना, ये देखिए कि मामला सेट है। तो बाजार वाले छोलों में प्याज क्यों नहीं जाता?
क्योंकि बाजार वाले छोले जो हैं सुबह से लेकर शाम तक बाहर पड़े रहते हैं। एक काम करते हैं ना, एक तरफ कटिंग चॉपिंग हो रही है, एक तरफ ज़रा समझ लेते हैं छोले की कहानी। देखिए, ये जो चना है ना, ये हमारी ज़िंदगी में लगभग 11,000 साल पुराना है। मतलब कहते हैं इंसानों को मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं आता था, लेकिन चने उगाना जो है वो आ गया था। और ये चना जो है ये हिंदुस्तान में ओरिजिनली शुरू नहीं हुआ। चना शुरू हुआ है टर्की, ग्रीस, वो वाला जो एरिया है वहाँ से, और वहाँ से चलते चलते लगभग आज से 5,000 साल पहले हिंदुस्तान पहुँचा काला वाला चना, और हमने फिर उसको फेमस कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन जो सफ़ेद चना है, जिसे हम काबुली चना कहते हैं, और उसे हम काबुली चना इसलिए कहते हैं क्योंकि काबुल से जो ट्रेडर्स आते थे वो सिल्क रोड पे और ख़ासतौर लाहौर अमृतसर में मंडियों में अपने ड्राई फ्रूट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स बेचते थे, और चना जो है वो उसका बड़ा एसेंशियल पार्ट होता। तो क्योंकि काबुल वाले व्यापारी बेचते थे तो इसका नाम पड़ गया काबुली चना, और बहुत रिसेंटली काबुली चना इसका नाम पड़ा। मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि शुरू टर्की में हुआ, काबुल के रास्ते हिंदुस्तान में आया, लेकिन आज की डेट में दुनिया का 64% चना हिंदुस्तान में उगता है, और दुनिया की सबसे ज़्यादा चने की खपत हिंदुस्तान में। अब क्या किसका है मुझे पता नहीं, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग है ना? परफेक्ट है कॉम्बिनेशन। थोड़ी सी हींग डालनी, हींग ज़्यादा नहीं डालनी, ठीक है जी। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि ये अभी जाएगा और पिस के आएगा और फिर पीस दीजिए। छोले जो है ना, उनको कम से कम ओवरनाइट सोक करना है, मतलब कम से कम 10 घंटे तो छोले सोक होने चाहिए, तभी मज़ा है। छोले लास्ट मिनट निकालेंगे, क्यों? क्योंकि जितना पड़े रहेंगे वो पानी में, उतना पानी में भी फ्लेवर आता रहेगा और छोलों पे भी रंग आता रहेगा। तब तक बनाएंगे मसाला। तो कुकर की सीटी से आप डील करते रहिएगा साथ में, है? कुछ लोग अनारदाना डालते हैं, आप चाहें तो अनारदाना भी डाल सकते हैं। कुछ लोग इमली डालते हैं, इमली की ज़रूरत नहीं। घरों में जब बनते हैं ना छोले पंजाब में, अमृतसर में खासतौर पर, तो इमली नहीं पड़ती। इमली वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा फॉरेन है। हल्की सी जो खटास है वो अमचूर से आ जाती है, अनारदाने से आ जाती है, या फिर टमाटर से आ जाती है। तो बेसिकली प्याज को भूनना है तब तक कि जब तक प्याज की ब्राउननेस चालू ना हो जाए। ये मैंने कर लिया, तब तक ये बना के रख लिया। बेसिकली ताज़े टमाटर लिए, ताज़े टमाटर को या तो घुमक्कड़ में या मिक्सी में डालो और ऐसे एकदम फाइन पेस्ट कर लिया। ये करके रख लीजिएगा अगर आपके प्याज भुन रहे हैं और आपके पास वक्त है। When you're looking, you're not cooking. प्याज के साथ जल्दी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? साइड हो जाइए, प्याज को अपना काम करने दीजिए, आँच को अपना काम करने दीजिए, खासतौर अगर आप लोहे की कढ़ाई ले रहे हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में धीरे 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 ताप जाएगा, प्याज भुनेगा, मसाले में स्वाद आएगा। ज़बरदस्ती धक्केशाही नहीं करनी, ठीक है? कुकिंग इज़ नॉट इक्वल टू धक्केशाही, कुकिंग इज इक्वल टू लेटिंग फूड बी, बट कीपिंग एन आई। मसाले को ज़्यादा नहीं भूनना, क्यों? क्योंकि मसाला ऑलरेडी भुना हुआ ना, इसलिए बस जब हल्का सा धनिया भुन जाए तुरंत के तुरंत डाल दीजिए, भगवान भला करे, आपका टमाटर। भुनाई चालू रहनी चाहिए भाई और बहनों। और जब आपको लगे कि भाई भुनाई हो गई है, मसाले की अच्छी सी खुशबू आ रही है, तेल अलग फट गया है, तेल अलग हो गया है, तो उसके बाद गैस को स्लो कर दीजिए। दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो ये कि इसके अंदर अभी पानी बहुत जाएगा, बहुत मतलब थोड़ा पानी तो जाएगा, इसलिए और डाइल्यूट होगा। तो ये वाला जो मसाला है ये स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़ा नमक में भी स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़ा मसालों में भी स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए गड़बड़ क्या होती है छोले में, छोले में गड़बड़ ये होती है, कड़वाहट आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक मैं मसाला भूनूंगा नहीं मसाले में रंग नहीं आएगा। लेकिन आप मसाला भूनते हैं तो मसाले ऑलरेडी भुने होते हैं, फिर मसाला बिल्कुल ओवर कुक हो जाता है, कड़वा हो जाता है। दूसरा, भी थोड़ी चाय पत्ती कड़वाहट आ जाती है। अब वो अवॉइड करने के लिए जैसे ही आप टमाटर डालें इस गीले मसाले में, टमाटर जैसे ही अपना तेल छोड़े उसके बाद पानी का छींटा मारें और भूनते रहें, पानी का छींटा मारें भूनते रहें। उससे क्या है कि मसाले जलेंगे नहीं, लेकिन वो जो रंग है कढ़ाई में भूनने का वो आता रहेगा। वो वाला फॉर्मूला अगर आप समझ गए फिर कोई टेंशन नहीं। ये आ गए छोले जो दिख रहे हैं भोले भोले। ये है जी हमारी बुके गार्नी उर्फ पोटली। सारा इसका जूस निकाल लीजिए, अंदर मसाले हैं इसमें, और वो जो बीच में अदरक डाली थी साबुत वो भी आ गई। और इधर पे ध्यान रखिए मसाला कड़वा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी? अगर आपको लगता है मसाला कड़वा हो रहा है तो छोले का ही पानी डाल लीजिए,
हो गया ना एकदम फर्स्ट क्लास काला कलर, लेकिन काला नहीं है ये, मैं अभी सफ़ेद प्लेट पर अगर आपको दिखाऊंगा, काले में भी एक लाली है क्योंकि हमने इसमें देगी मिर्च डाली है। देखिए मैंने लालच में जो है कढ़ाई एकदम लवालब भर ली है, वो कारण यह है कि मम्मा को छोले बड़े पसंद हैं। ठीक है जी, दो तीन चीज़ें हैं जो मम्मी हमेशा कंप्लेन करती, गोल्डी तो अपने हाथ की जलेबी नहीं खिलाता, गोल्डी तो छोले नहीं खवाए अपने, तो ये मम्मी के पास भी जाएंगे इसलिए कढ़ाई को ऐसे लवालब भर लिया गया है। अगर आप अपनी मम्मा के लिए भी बना रहे हैं तो थोड़ी कढ़ाई बड़ी ले लीजिएगा। ठीक है जी, इसके ऊपर और मसाला जाएगा, क्यों मैंने कहा था ना कि पानी वानी डालेंगे सब डाइल्यूट हो जाएगा, इसलिए ये मसाला हम बाद में डालेंगे। फिलहाल के लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इसको कम से कम नहीं तो 5 से 7 मिनट उबालते हैं, उबाल के जब सारे फ्लेवर्स मिक्स हो जाएंगे फिर इसकी बाकी की कारीगरी समझेंगे और उसके बाद इसको कर देंगे फिनिश, थोड़ा घोट लेंगे, ग्रेवी हो जाएगी गाढ़ी, उसके बाद मज़े से खाएंगे और फिर उसके बाद आपको यही याद दिलाएंगे कि किसी दूसरे का म्यूज़िक कभी नहीं लेना। ये घुटाई क्यों, एक तो हल्की सी मिठास आएगी छोले की ग्रेवी में, दूसरा गाढ़ापन आ जाएगा छोले का, तो इसलिए घोंट लीजिए उसको। अगर एक बोल है छोले का तो 1/4 बोल घोंट लीजिए और मिक्सी विक्सी में मत डालिए, कुछ लोग बोलते हैं शॉर्टकट है जल्दी से मिक्सी में डाल दो ग्रेवी गाढ़ी हो जाती, नहीं ऐसे घोटना है। देखिए घी से फिनिश करने वाली ट्रिक जो है मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है जितनी मर्जी कोशिश कर लो मसाले की कड़वाहट आ जाती है, घी जो है वो मसाले की कड़वाहट को कवर कर लेता है, कोट कर लेता है, समझ में आपको। दूसरी चीज़, कोई भी दाल हो खासतौर छोले रूखे होते हैं तो उसमें आप जितना मर्जी तेल डाल लीजिए, जो बात घी और मक्खन से आती है वो घी और मक्खन से ही आती है। प्लेटिंग करने के लिए तेल में हरी मिर्च, अदरक के लच्छे, जब तक धनिया नहीं जाएगा तब तक तो बात नहीं बनेगी ना, अभी हम क्या करें बताइए, हमारी मजबूरी है या धनिया की मजबूरी है, जो मर्जी कह लीजिए, ऐसे ही थोड़ी ना हम धनिया की इतनी वकालत करते हैं भाई, पूरा डिश का हिसाब किताब बदल दिया हमारे प्रिय मित्र ने, इसके बगैर तो कुछ भी सुंदर नहीं दिखता था। इसको कहते हैं हमारा प्रिय मित्र धनिया, अगर भाई साहब मजा ना आए ना तो पैसा वापस है। अभी ना मैं एक इंटरव्यू देखा तो उसमें सौरव गांगुली जो है वो बोल रहे थे, जब तक तुम अपने हाथ से शॉट मार रहे हो ना उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन एक फास्ट बॉलर को कवर ड्राइव मार के और पॉइंट और कवर के बीच से बॉल निकाल के तालियों के साथ मिलता है ना उसका कोई मुकाबला नहीं। वैसे जितने मर्जी बड़े शेफ बन जाओ, जो सेटिस्फैक्शन अपने हाथ से खाना बना के मिलता है ना कोई मुकाबला, बनाइएगा जरूर। थैंक यू।